जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि माता पिता में जो ब्लड ग्रुप है वह संतानों में किस प्रकार से जाता है, इसको हम लोग देखेंगे, या संतति में ब्लड ग्रुप होने की उसकी संभावनाओं को देखेंगे हम। तो हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है वह चार प्रकार का होता है, और उसमें हम लोगों ने एंटीजन और एंटीबॉडी भी देख लिया। आज उसी में थोड़ा सा और हम लोग जोड़ते हैं एक फिनोटाइप। यह फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब जो फिनोटाइप होता है वह जो हमारे बाहरी फिजिकल जितने भी होते हैं उसको दिखाने वाला होता है, उसको साइंस में फिनोटाइप बोला जाता है। जो फिनोटाइप होता है वह हम लोगों के शरीर में या फिर जीव जंतुओं के शरीर में फिजिकल एक्टिविटी को बताता है, और जो जीनोटाइप होता है वह इंटरनल जो जीन होता है उसके बारे में बताता है। उसी के ही आगे में आज हम लोग थोड़ा सा और जोड़ते हैं उसमें फिनोटाइप। फिनोटाइप ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जानने के लिए साइंस में उसको फिजिकली उसमें मतलब जो चेंजेस होता है उसको प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। और मैं दूसरा चीज़ बताया कौन सा फिनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से जान लिया है। आज हम लोग देखते हैं फिनोटाइप के बारे में, और इसी के आधार पर ही हम लोग देखेंगे कि जो माता पिता हैं उसका जो संतान है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इसकी संभावना को हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें फिनोटाइप देखते हैं हम लोग कि दो प्रकार का हो सकता है। इसको फिनोटाइप को मैं ए है इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, और दूसरा है इसको, और एक दूसरा फिनोटाइप हो सकता है इसका ए और ए ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ दूसरा देखते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप बी, इसके लिए फिनोटाइप बनाते हैं तो सेम ऐसे ही होगा, यहाँ ए के जगह बी होगा और यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा और ये ओ ही होगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, आगे मैं इसको और चेकर बोर्ड की सहायता से बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। हम इसको चित्र के रूप में भी समझ सकते हैं, लेकिन चित्र के रूप में देखते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है, इसलिए मैंने इसको जो फिनोटाइप होता है उसी के आधार पर समझाने की कोशिश किया है। तो देखते हैं हम लोग ए और बी, इसका फिनोटाइप होता है ए और आई बी, और ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ में देखते हैं इसकी इसका फिनोटाइप आई ओ और आई ओ होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि टोटल जो चार ब्लड ग्रुप है उसमें छह फिनोटाइप हो गया, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, इतना फिनोटाइप होता है। और इसी के आधार पर ही हम लोग देखेंगे आज कि किस प्रकार से हम संतानों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मैं सबसे पहले ये दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों जो नीचे हैं उसको मैं मिटा देता हूँ अभी थोड़े समय के लिए, नीचे में लिखने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें ए और बी यदि मान के चलते हैं माता या फिर पिता, और दूसरी तरफ देखते हैं पिता या फिर माता, इसमें ब्लड ग्रुप ए है मान के चलते हैं माता या पिता किसी में भी, और इसमें देखते हैं कि बी है। ये दोनों को आप लोग किसी को भी ले सकते हैं, ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, ए बी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें फिनोटाइप ये वाला है और इसमें फिनोटाइप ए वाला, किसी को भी ले सकते हैं। तो इन चारों फिनोटाइप को मैं ले रहा हूँ, तो इसमें हम देखते हैं एक साथ में लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो संतति है उसमें ब्लड ग्रुप
आने की संभावना होता है। तो ऊपर वाला मैं ले लेता हूँ आई ए और आई ए, और दूसरा देखते हैं आई ए और आई ओ। ठीक उसी प्रकार से मैं बी वाले को लेता हूँ आई बी और आई बी, और ठीक उसी प्रकार से इसको ले रहा हूँ आई बी और आई ओ। तो इन दोनों को माता पिता को मैं यदि इसमें क्रॉस कराता हूँ यहाँ दोनों जने में ब्लड ग्रुप को, तो इसमें देखते हैं हम लोग किस प्रकार से होता है। मैं इन सभी को सभी के साथ कराऊंगा, तो देखते रहिए ध्यान से। मैं ए बी वाले को इस ए वाले से करा रहा हूँ, तो आई ए होगा और आई बी होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ए और बी, मतलब आई ए और आई बी। ठीक उसी प्रकार से ए वाले का मैं इससे करा रहा हूँ तो भी वही चीज होगा ए और बी। अब देखते हैं कि इसी को ही इसके साथ में कराता हूँ, इसके साथ में ये, तो क्या होगा ए और ये वाला बी, तो ये भी क्या होगा ए और बी। ठीक उसी प्रकार से इसको और इसको मैं करा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा ए और इसमें का ए और उसमें का ओ, तो ए और ओ हो जाएगा। इसमें से ए और ओ में से ए एक्टिव होता है और ओ इनएक्टिव हो जाता है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप देखेंगे ए और ओ दोनों होने पर कौन सा होगा ब्लड ग्रुप ए होगा। अब उसी प्रकार से हम लोग ये इसके साथ में ये चारों को मैं करा लिया, तो फिर ठीक इसी प्रकार से इसको भी मैं कराता हूँ। तो इसमें देखिए आप लोग, ये देखने में भले ही जटिल लग रहा है लेकिन आप लोग करेंगे तो बहुत ही सरल है। तो ये वाला ए के साथ में मैं इसको कराता हूँ, तो फिर से ए और बी होगा, ये वाला ए और ए साथ में बी, और ठीक उसी प्रकार से फिर ये भी होगा, सेम सेम ए है और फिर इसके साथ में ये भी मतलब बी बी है, तो ये भी सेम ऐसे ही होगा, इसलिए मैं अब इसको नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको करते हैं, ए वाला को करते हैं। तो इसमें देखिए ये ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में कि फिनोटाइप में ए और ओ है, तो इसमें देखते हैं हम लोग ए दोनों का ये चारों के साथ में कराते हैं। तो इस प्रकार से ए और बी, फिर से ए और बी हो जाएगा, और इसमें ए वाले के साथ में फिर से ये बी के साथ में कराता हूँ, तो ए और बी हो जाएगा, और फिर उसी प्रकार से ए और इसको पर कराता हूँ तो भी क्या होगा ए और बी ही प्राप्त होगा, और फिर ए और ओ को कराता हूँ तो कौन सा प्राप्त होगा, मैं बताया था कि ए और ओ होने पर ए ही इसमें एक्टिव होता है। यदि ए ब्लड ग्रुप ओ और कोई सा भी होने पर, जैसे कि मैं देखता हूँ कि ए और ओ है तो इसमें ए ही एक्टिव होगा, और ए इसमें बी और ओ है तो भी बी ही इसमें एक्टिव होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि ए और ओ है तो यहाँ ए ही एक्टिव होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके साथ कराते हैं, इसके साथ कराते हैं, तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ है उसका बी के साथ में, और तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि बी और ओ होने पर क्या होगा ब्लड ग्रुप बी होगा। तो मैं इसको करा रहा हूँ क्रॉस, तो देखिए ए और ये वाले को मैं कराता हूँ तो क्या होगा बी प्राप्त होगा, और फिर इसको इसके साथ कराऊंगा तो भी बी प्राप्त होगा, इसके साथ भी कराऊंगा तो बी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो ए ओ है और ये वाला ओ है, इसलिए यहाँ ब्लड ग्रुप ओ प्राप्त होगा। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ब्लड ग्रुप ए और बी है तो फिर ब्लड ग्रुप ओ संतान में कैसे हो सकता है, तो क्वेश्चन यही फंसाने वाला होता है कि जो ए और ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें देखते हैं जो संतान में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। यहाँ देख लिए ए बी ए बी ए बी और ए बी और ए बी, तो यहाँ जो संतान होगा उसमें ए बी होगा और क्या होगा, यहाँ देख लिए हम लोग ए होगा,
और यहाँ देख लिए हम लोग कि बी होगा, और यहाँ देखते हैं हम लोग कि ए ओ और ए वाला ओ क्या होगा, ओ प्राप्त होगा। तो यहाँ चार ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगा। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो पेरेंट्स हैं ए और बी वाले हैं, तो उसमें संतति में ये जो वाला ओ है कैसे हो सकता है। लेकिन हम लोग इसी चार्ट के माध्यम से, इसी फिनोटाइप के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया कि ओ भी इसमें हो सकता है। चलिए हम लोग इसको और एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यदि आप लोगों को ये वाला जो थोड़ा लाइनिंग खींचने वाला, यदि आप लोग फर्स्ट में यदि समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, यदि समझ में नहीं आया होगा तो इसको दो बार तीन बार देखिएगा यहीं को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यदि इतना में भी समझ में ना आए तो आगे हम लोग देखते हैं चार्ट के माध्यम से, और चार्ट के माध्यम से मैं श्योर बताना चाहूँगा आप लोगों की ज़रूर समझ में आएगा। तो इसको चार्ट के रूप में हम लोग देखते हैं, ए वाला फिनोटाइप देखते हैं हम लोग कि ये सेम सेम है, इसलिए मैं इसको एक ले सकता हूँ। और यहाँ भी देखते हैं हम लोग सेम, ये सेम नहीं है इसलिए इसको ए और ओ ले लेता हूँ। और यहाँ भी देखते हैं हम लोग कि ये वाला सेम है इसलिए इसको मैं बी ले लेता हूँ। और यहाँ देखते हैं कि बी और ए है इसलिए मैं यहाँ ओ को ले सकता हूँ। आप लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं चेकरबोर्ड को। और इसी चेकरबोर्ड को एक क्वेश्चन आता है कि चेकरबोर्ड को देने वाला कौन साइंटिस्ट है, तो जो पुनेट नामक साइंटिस्ट हैं, पुनेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा ही इसी चार्ट को दिया गया था। और इसी चार्ट के माध्यम से हम संतानों में बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो मैं इतना देख लिया, तो इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं इसका इसके साथ में, तो ए और बी प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से इसके साथ में कराता हूँ बी को ए के ओ के साथ में, तो बी प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से ए वाला जो ओ है और इसमें ए है, तो ए प्राप्त होगा। और जो ए वाला ओ है और इसके साथ में ओ है, इस प्रकार से मैं क्रॉस कराता हूँ तो ये ओ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शॉर्टकट देख लिया और उसको हम लोग लॉन्ग कट देख लिया। तो आप लोग इसके माध्यम से भी जान सकते हैं और उसके माध्यम से भी जान सकते हैं। मैंने इसको यहाँ शॉर्टकट टाइप से इसको मैं बताया हूँ यहाँ। आप लोग इसको इसके साथ लेंगे फिर इसको साथ भी लेंगे तो भी यही प्राप्त होगा हम लोगों को। इसमें हम देखते हैं कि ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, देखिए ये वाला आ गया और बी प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ और ओ प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से भी इस चेकर बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप को लेके संतति में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग और एक इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। इन फिनोटाइप को आप लोग लेके और दूसरा भी चेकर बोर्ड बना सकते हैं। तो मैं और एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बी ब्लड ग्रुप और ओ को, तो हम लोगों ने इसमें देखा था फिनोटाइप कैसा था, आई ए और आई बी। उसी प्रकार से ये जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके बारे में हम लोग देखे थे कि आई ओ और आई ओ। इसको मैं यदि चेकर बोर्ड में करूं और चेक करूं तो इसमें हम देखते हैं, मैंने पहले लिया था ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ले रहा हूं। इन दोनों को एक साइड लूंगा और इन दोनों को एक साइड में लूंगा, तो ए वाला ओ और ए वाला ओ हो गया। और इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, इन दोनों को आप यहाँ भी ले सकते हैं और इसको यहाँ भी ले सकते हैं, कहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक साथ में हो। तो इसमें हम देखते हैं कि ए वाला और ओ है, तो यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा। और यहाँ देखते हैं ए को ए ओ को और ए बी को करते हैं तो इसमें बी प्राप्त होगा, इसमें ब्लड ग्रुप बी प्राप्त होगा, इसमें ए प्राप्त होगा और इसमें भी ए प्राप्त होगा और इसमें भी क्या होगा, बी प्राप्त होगा। यहाँ हम पाते हैं कि जो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए अथवा बी हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप जो संतति में होगा वह कैसे होगा, ए हो सकता है अथवा बी हो सकता है।
यहाँ हम देखते हैं कि ए हो सकता है अथवा बी हो सकता है, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि माता या पिता में ए बी है या फिर ओ है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि जो संतति है उसमें ए या बी ही केवल होगा, ओ भी नहीं होगा ना ही ए बी भी नहीं होगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह, इसलिए मैं इन दोनों को लिया यहाँ, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऑप्शन में यदि दिया जाए कि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ है, तो इसमें से कौन सा संतति में हो सकता है या नहीं हो सकता है बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट है। हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आप लोगों को बहुत ही क्लियर ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं सेम ब्लड ग्रुप वाला ले लेते हैं, यहाँ हम लोग एक ले लेते हैं एग्जाम्पल सेम ब्लड ग्रुप वाला ए। तो इसमें हम लोगों ने फिनोटाइप देखा था कि आई ए और आई ए और क्या होता है आई ए और आई ओ। तो इस फिनोटाइप को हम लोग यहाँ करते हैं, तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से होता है। यहाँ हम लोग सेम ब्लड ग्रुप लेके देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाला माता है और ब्लड ग्रुप ए वाला पिता है, तो ए और ए वाला ए। तो इसमें हम पाते हैं कि और एक होगा ए और ए वाला आई ए और आई ओ। तो इसमें हम पाते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है इसमें अलग अलग होगा, तो इसमें फिनोटाइप में हम लेते हैं ये दोनों तो सेम है, तो इसको मैं ले लेता हूँ ए और ए, और दूसरा ब्लड ग्रुप देखते हैं नहीं, हाँ ये दोनों तो सेम है तो ए ही आएगा। अब इसमें देखते हैं कि कन्फ्यूज़न यहाँ होता है, तो इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं ए और ओ, ए और ओ, तो इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो यहाँ ए प्राप्त होगा, ए ए और ए ही होगा, और यहाँ देखते हैं कि ए प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ भी देखते हैं कि ए प्राप्त होगा, और ये लेकिन देखते हैं जो ए और ओ, ए वाला ओ और ए वाला ओ, तो यहाँ ओ प्राप्त होगा। तो इसमें हम पाते हैं कि जो संतति होगा यदि माता के ए है और पिता का भी ए है, तो इसमें जो संतति होंगे वो कैसे होंगे, या तो ए होगा या तो ओ होगा। तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि माता का या पिता का ए है और या माता और पिता का ए है, तो इन दोनों का जो संतति होगा उसमें ओ कैसे हो सकता है, परंतु हम इस चेकर बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ओ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से और भी कर सकते हैं, और ब्लड ग्रुप को उसके फिनोटाइप को मैंने बता दिया है, उसी फिनोटाइप को ले लेकर आप लोग उसको बनाएंगे, और इससे आप लोगों को सरल ढंग से आप इसको समझ सकते हैं कि संतति जो होंगे उसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, और आप अपने घर में करके देख लीजिएगा। यह बिल्कुल सत्य है, यह साइंटिस्टों के द्वारा प्रूव किया जा चुका है, मैं उसी को ही यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ। और आई होप आप लोगों को यह चेकर बोर्ड आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और वीडियो आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।